हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज का वीडियो होने वाला आजियो कुर्ती शॉपिंग हॉल। मैंने कुछ आजियो से कुर्ती ऑर्डर करी थी, तो काफी अफोर्डेबल कुर्तियां है, काफी अच्छी, कुछ फेस्टिव वेयर के लिए भी है, आप फेस्टिव वेयर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और कुछ सिंपल है ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर के लिए है कुछ कुर्तियां। तो काफी अच्छा वीडियो होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और मैंने काफी समय के बाद आजियो से परचेसिंग करी है, और आजियो पे भी चल रही है इस समय सेल, तो आप सेल का बिल्कुल भरपूर फायदा उठा सकते हैं। और एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलेगा, एंड डू फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया, मैं वहां पे भी एक्टिव हूँ, एंड जितने भी मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस आपको ट्राई ऑन साइट में मिल दिख जाएगा कैसा लग रहा है, कैसी फिटिंग है, और प्राइसेस आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो बहुत बातें कर ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है ये कुर्ती, और काफी अच्छी कुर्ती है, और इस तरीके का पैटर्न है इस पे, और सामने आपको बटन्स दी गई हैं, कलरफुल है, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, बहुत सारे कलर्स हैं, और ये फुल स्लीव्स है, कंप्लीट स्लीव्स, स्लीव्स में भी इस तरीके का वर्क किया गया है, एंड कंप्लीट ऐसे में है, काफी ज्यादा अच्छी कुर्ती है, प्योर कॉटन कुर्ती है, एक तो प्योर कॉटन है, प्लस बहुत ज्यादा समर अप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा, प्लस आप इसको फेस्टिव में भी वेयर कर सकते हैं इस तरीके का, और बटन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही बटन दी गई है, बट ये कुछ इस तरीके की है, देख सकते हैं, और आपको साइड में ट्राई ऑन मिल जाएगा। ये मुझे ये एक्चुअली लीवा की है, एंड 699 प्राइस है, बट मुझे डिस्काउंट के बाद मैं डिस्काउंटेड प्राइस स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, और मेरा इसमें साइज लार्ज है, और आप अपने साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक साइज छोटा ही लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट काफी ज्यादा अच्छी कुर्ती है। तो ये मेरा फर्स्ट परचेज था, तो सेकेंड मैं दिखाती हूँ, सेकेंड है ये कुर्ती, काफी अच्छी कुर्ती है, और देख सकते हैं कितना अच्छा पैटर्न दिया गया है ब्लू एंड व्हाइट का, और आजकल इस पैटर्न की कुर्तियां बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो इस तरीके से आपको आगे पॉम्पॉम दिए गए हैं, स्लीव्स कुछ इस तरीके की है, काफी अच्छी स्लीव्स है, और काफी अच्छा वर्क किया गया है, और ये कम्प्लीट स्लीव्स है, और प्योर कॉटन है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, इस तरीके से पेपलम टाइप का दिया गया है नीचे, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा है, इस पे भी मेरा साइज लार्ज है, और बिल्कुल फिटिंग आ रहा था, काफी ज्यादा अच्छा है, एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, एंड बैक में कुछ इस तरीके का है कंप्लीट, ये भी सो काफी अच्छी लग रही थी कुर्ती, वेयर करने के बाद तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी कुर्ती। देन थर्ड है ये भी ब्लू कलर में ही मैंने करी, क्योंकि ब्लू बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, तो ये ब्लू और गोल्डन में है, और मैंने सारी मोस्टली फुल स्लीव्स की मंगवाई, ये भी फुल स्लीव्स आता है, आपको एल्बो तक आएगा, बट काफी अच्छा है, एंड आप इसको गोल्डन ट्राउजर के साथ वेयर कर सकते हैं, या गोल्डन प्लाजो पैंट्स के साथ भी वेयर कर सकते हैं, इस तरीके से है, बिल्कुल प्लेन कुर्ती है, सेम पूरा ऐसे ही वर्क किया गया है, और नीचे भी इसमें ये नीचे भी इस तरीके से है, फिश शेप में है, बट काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी वेयर करने के बाद, इस तरीके से कंप्लीट इस तरीके से, और काफी नीचे काफी ज्यादा चौड़ी में है, और इसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और ये कॉटन मटेरियल है, एंड इसका प्राइस मुझे रिसीव हुआ था, ये प्राइस मुझे पड़ा था 1500 की, बट ये 1500 की नहीं है, ये अंडर 445 अराउंड कुछ की है, और आप इसको डिफरेंट वे में स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ग्रीन कलर में कुर्ती मंगवाई थी, और इसमें बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे, ये सामने आपको जितनी भी मिली ये सारी बटन्स ओपनेबल है, आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज मंगवा लिया है, बट आप एक साइज कम पे जाइएगा, और इस तरीके से स्लीव्स है, स्लीव्स पे कुछ इस तरीके का वर्क किया गया है, पूरी प्लेन है, बट इसका नीचे बहुत ज्यादा घेर है, ये नीचे वर्क किया है, बट काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी वेयर करने के बाद, इसमें साइज का इशू हो रहा है मुझे, बहुत लूज है मुझे, ट्राई ऑन में अब देख लेंगे, बट आप एक साइज छोटा जाएंगे तो काफी ज्यादा बिल्कुल अच्छी फिटिंग आएगी इसकी, और नीचे कुछ चुन्नट टाइप का दिया गया है, तो काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी है, एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देन नेक्स्ट मैंने मंगवाई थी कुछ रेड कलर में, चटक सा कलर रेड, तो ये कुछ इस तरीके से, इसका भी कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये भी फुल स्लीव्स में है, एंड इसे बहुत सारे बीच में येलो एंड गोल्डन बहुत सारा वर्क किया है, ये आगे आपको इस तरीके से बांधने के लिए दिया गया है, एंड ये थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा था, बट बहुत ही ज्यादा कपड़ा इसका सॉफ्ट है, और ऐसे कुछ वर्क किया गया है,
पूरा इस पूरी पूरी कुर्ती पे इसी तरीके का वर्क है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है, थोड़े से शॉर्ट में इस तरीके से हमें देख सकते हैं, आपको ट्राई ऑन में पता चल जाएगा कैसी आ रही है कुर्ती फिटिंग के बाद। बट काफी अच्छी है और काफी ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है पूरा इस तरीके से। मैंने ऐसे इसको होल्ड कर रखा हुआ है बट बहुत ज्यादा, और ये ऐसा भी नहीं है आपको इसको आयरन कराना पड़ेगा, इजिली आप इसको वॉश करने के बाद तुरंत फिर से वेयर कर सकते हैं। इन सब कपड़ों में यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको इसमें आयरन कराने की जरूरत नहीं है। कॉटन में तो थोड़ा बहुत आयरन करवाने की जरूरत भी रहती है बट इनमें नहीं। नेक्स्ट कुर्ती मेरी है, ये मैंने मैक से मंगवाई है और ये कुछ इस तरह की कुर्ती है। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर कुर्ती है, थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा है, ये आपको आगे टेसल्स मिल जाते हैं। बट ये प्रिंट जो इसका है ना, ये फॉयल प्रिंट है बट बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रिंट है। एंड आपको ये स्लीव्स कुछ इस तरीके की दे दी गई है, इस तरीके की स्लीव्स है कंप्लीट इस तरीके की, बट बहुत ही लूज स्लीव्स है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद ये तरीके से। और ये नीचे आपको पेपलम टाइप का दे दिया गया है इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये पूरे पे कुछ इस तरीके का ही वर्क किया गया है फॉयल का। एंड बैक कुछ इस तरीके की है, इसकी बैक इस तरीके की, और उसके ऊपर आपको कॉलर दे दी गई है। और मुझे कॉलर वाले शॉर्ट्स कुर्तियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, बट ये काफी ज्यादा अच्छी, और ये फेस्टिव वेयर के लिए भी है तो आप इसको डेफिनेटली फेस्टिवल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्राइस का मे भी थोड़ा ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, 600 के अराउंड समथिंग कुछ है या 500, प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, बट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मुझे लग रहा है कॉटन कपड़ा है तो वॉश करने के बाद इसको आपको आयरन कराना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं वेयर कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट मेरा परचेज था। सो लास्ट मेरा पीस है, मैंने एक लिबास से कुर्ता सेट मंगवाया है, तो वो मैंने डायरेक्ट लिबास की वेबसाइट से ही परचेज किया है। तो ये कुछ इस तरीके का कुर्ता सेट है, ये कंप्लीट कुर्ता सेट है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है फेस्टिव वेयर के लिए, तो काफी ज्यादा अच्छा है। और सामने कुछ इस तरीके का वर्क किया गया है बट अच्छा है, लग रहा है पहनने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्लीव्स पे कुछ बहुत सिंपल सा वर्क किया है और पूरी कुर्ती ये प्लेन कुर्ती है। एंड फिर ये नीचे इसका पैंट भी नहीं कह सकते हैं, जैसे पटियाला आते उस तरीके का है, नीचे इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे सामने चुन्नट दी गई है तो काफी अच्छा आ रहा है। और सबसे नीचे इसका ये इस तरीके से है, पटियाला से नहीं चलते थे उस टाइप का, नीचे आपको यहाँ पे वर्क हल्का सा गोटा पत्ती का वर्क किया गया है, बट काफी अच्छा वेयर करने के बाद बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। कपड़ा बहुत सॉफ्ट है बट मुझे ऐसा लगता है वॉश करने के बाद थोड़ा सा ये हल्का सा लाइट हो सकता है। एंड ये इसकी चुनरी है, काफी अच्छी चुनरी है, फुल लेंथ है इसके दुपट्टे की, और काफी वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। एंड बहुत लाइट वेटेड है, फेस्टिव वेयर के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप इसको तीज या रक्षाबंधन दोनों पे वेयर कर सकते हैं इजिली। तो दिस इज माय लास्ट परचेज। सो कैसा लगा ये मेरा आजियो शॉपिंग हॉल, नीचे जरूर कमेंट डाउन करेगा और ये भी बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा परचेज करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।